खानदान की मुश्किलात में इजाफा। नैब का हुदैबिया पेपर मिल्स केस से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला। नैब की जानिब से कल सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अजीजिया स्टील मिल्स और लंदन फ्लैट से मुतालिक नैब रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। नवाज शरीफ, हसन हुसैन और मरियम नवाज के बाद दामाद कैप्टन सफदर 19 सितंबर को तलब। इसहाक डार को भी 19 सितंबर को पेश होने का हुक्म। नवाज शरीफ और इसहाक डार अदालत के खिलाफ हर्जा सराय को लीक कर रहे हैं। शिकायत ना करना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जस्टिस अजमत सईद के पैनामा फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। जस्टिस खोसा कहते हैं इंसाफ अंधा हो सकता है, जज नहीं। बहुत से मुकदमात में अदालत रिपोर्ट तलब करके निगरानी करती है। मखसूस मुकदमे के लिए निगरान जज की कोई मिसाल नहीं मिलती। वकील नवाज शरीफ, ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन नैब की तकरीरी का मामला। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के पीटीआई जमात इस्लामी और एएनपी से राबते। मुस्लिम लीग काफ, एमक्यूएम, अवामी मुस्लिम लीग और फाटा अरकान को एतमाद में ले लिया। पीटीआई अपना उम्मीदवार लाने के लिए सरगर्म। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का दौरा डेरा बुकटी। कच्ची किनार का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क में इंतजार की वजह से तरक्याती काम रुक जाते हैं। तमाम जमातों की कारकर्दगी अवाम के सामने है। फैसला अवाम ने करना है कि वो तरक्की चाहते हैं या नहीं। वजीर आजम का खिताब। NA 120 पर जिमनी इंतखाब का मार्का। हल्के में सियासी जमातों की रैलियों और जलसों पर पाबंदी आई। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ की रैली रोकने का भी हुक्म। कहा जाबता इखलाक के मुताबिक कोई मुंतखब नुमाइंदा इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। गली गली बैनर्स, घर घर राबता मुहिम। वोटर्स की सपोर्टर्स के लिए रैलियां और कॉर्नर मीटिंग। NA 120 पर आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी। अवाम ने अपनी पसंद नापसंद का खुलकर इजहार किया। आठ बजे सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी हल्के की खबर देंगी सिर्फ आज न्यूज पर। कराची सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार पर सख्त एक्शन लिया। मुलव्वस अफराद को जेल में डाला लेकिन जमानतें मिल गयी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगु। कहा फरार कैदियों और जिम्मेदारों को सजाएं जरूर दिलाएंगे। फाटा के आईनी और जमहूरी हकूक की भरपूर हिमायत करते हैं। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी की APC का एलामिया जारी। मौलाना फजल रहमान की फाटा की पख्तूनख्वा के साथ इंजमाम की मुखालिफत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका का खित्ते से दाइश के खात्मे पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का भी इरादा। 6 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द ने काबुल मुज़ाकरात में शिरकत की। अगवा बराए तावान केस में MP अब्दुल मजीद अचकज़ई पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िम का सेहत जुर्म से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 19 सितम्बर तक गवाहन को तलब कर लिया। जापान को समंदर में डुबो देंगे, अमेरिका को अंधेरे और राख में बदल देंगे। शुमाली कोरिया की धमकियां। अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल शैतान का हथियार है, उसे तोड़ दिया जाए। शुमाली कोरिया का आलमी पाबंदियों पर रद्द अमल। जापान ने शुमाली कोरिया की धमकियों को खतरनाक करार दे दिया। और साबिक कप्तान वकार यूनुस PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के डायरेक्टर क्रिकेट मुकर्रर। बॉलिंग कोच के फराइज भी अंजाम देंगे।